तो हे गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज ही मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी एंड सोशल मीडिया की कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो भाई मेक श्योर की वीडियो को एंड तक देखना, एंड हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई अपनी सबसे पहली अपडेट स्टार्ट करते पारस ऑफिशियल के साथ। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पारस ऑफिशियल के साथ क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो रही। बाय द वे अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो सबसे पहले आप उसे जाकर के देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो भाई अभी की क्या अपडेट है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब तक मैं देख रहा था तब तक पारस ऑफिशियल को पंजाब पुलिस ने अपने कस्टडी में ली हुई थी। बट गाइस उसके कुछ ही देर के बाद किरण रिजिजू की ओर से एक ट्वीट आती है, जिसमें बेसिकली उन्होंने ये बोला कि पारस ऑफिशियल को पंजाब पुलिस अब अरुणाचल प्रदेश की पुलिस को हैंड ओवर कर दे एंड उसे अरुणाचल प्रदेश लाया जाए। एंड उसके बाद गाइस वहां के कुछ ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि उनकी टीम पंजाब के लिए निकल चुकी है। तो मैं आपको उस वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। This then Paras Singh has been detained in Ludhiana and he is under custody now. And that's the situation as of now. Now the SIT team is already in Guwahati. Abhi ghanta bhar mein Delhi ke liye ravana hoga. So tomorrow morning tomorrow they will be reaching Ludhiana and process साथ साथ होगा उधर, production भी होएगा and transit remand भी होगा and he is being, Paras Singh is being brought to Arunachal Pradesh. नाउ चलिए अब अपनी अगले अपडेट के बारे में जान लेते हैं। भाई कुछ ऐसी खबरें देखने को मिल रही कि इंडियन गवर्नमेंट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी कई सारी एप्लीकेशंस को इंडिया के अंदर ब्लॉक करने जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 25 मई तक की डेडलाइन देते हुए ये बोला था अपनी प्राइवेसी एंड पॉलिसी को एज ए इंडियन पॉलिसी के हिसाब से चेंज करे। बट गाइस अभी तक इन सभी सोशल मीडियाज ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इसे ब्लॉक करने का फैसला किया है। सो भाई आप इस पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई चलिए अब अपनी अगली अपडेट के बारे में जान लेते हैं। भाई ये अपडेट है कैरी मिनाटी के बारे में। तो आई एम श्योर भाई कि आपने भी कैरी मिनाटी की ये वाली वीडियो देख ली होगी। भाई इस वीडियो में उनको काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला एंड ये वीडियो कई दिनों तक ट्रेंडिंग पेज पर भी थी। बट गाइस जब वो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उनसे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि भाई क्या अगली वीडियो भी 4 महीने के बाद ही आएगी। तब उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो भी 4 महीने बाद आएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, अब भाई हर किसी में इतना थोड़े ना करेंगे। नेक्स्ट वाली का मैंने सोचा हुआ है मैं क्या बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली गेम प्ले वाली होगी। मेरा बहुत मन कर रहा है वाली वीडियो बनाने का, वैसी टाइप की वीडियो बनाने का। भाई ये अपडेट है मियां खलीफा के बारे में। तो भाई मियां खलीफा को पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर बैन कर दिया गया है। तो भाई इसी को लेकर के उन्होंने ये बोली, अब मैं अपने वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया करूंगी, मेरे पाकिस्तानी फैन अब मुझे ट्विटर पर देखा करेंगे। तो भाई बस, तो आज के लिए मेरे पास इतना ही अपडेट थी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।